subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आजकल पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना वायरस का डर फैला हुआ है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे सबके ऊपर बहुत मानसिक प्रेशर आ रहा है और ज़्यादातर लोग लॉकडाउन से, टेंशन से, स्ट्रेस से बहुत डरे हुए हैं। तो ये एक डर जो ऐसा जो डर है, इसको हैंडल करने का एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का तरीका हार्टफुलनेस मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन मैं अंदाजन 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस मेडिटेशन के मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं। इस मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाती है और एक बैलेंस आ जाता है। जब भी कोई हम मेडिटेशन की इसकी सिटिंग करते हैं तो उसके बाद बहुत ही लाइट फील करते हैं, तो उसके अंदर अपने अंदर जो ये अलग अलग तरह के डर होते हैं वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए ये मैंने विचार किया कि ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन का तरीका एक पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूं कि कैसे हम करते हैं। आज अंदाजन 10 लाख लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं और इसके 10,000 प्रिसेप्टर्स मतलब टीचर्स हैं जो इसको सिखा रहे हैं। पहले ये थोड़ा सा सीक्रेट होता था, अब ये सबको बताया जा रहा है। योगिक ट्रांसमिशन के ऊपर ये पूरी मेडिटेशन बेस्ड है। अब मैं आपको ये कैसे मेडिटेशन करनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले इस मेडिटेशन को करने के लिए 3 इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स लेने की ज़रूरत है एक टीचर से। तो अभी किसी टीचर के सामने तो बैठ नहीं सकते, इसलिए ये रिमोटली की जा सकती है। इसके लिए एक हार्ट्स ऐप है, एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके मास्टर क्लासेस कर लो या प्रिसेप्टर से सिटिंग ले लो, या अपने जहाँ भी आप रहते हो उसके पास में जो कोई प्रिसेप्टर है उनको बोलो कि मुझे एक रिमोट सिटिंग दे दो। तो इस तरह से 3 सिटिंग्स अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद ये योगिक ट्रांसमिशन आप खुद रिसीव कर सकते हैं। ये एक बार आपके 3 दिन पूरे हो गए तो आप रेगुलर मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। ये मेडिटेशन करनी कैसे है वो भी बताता हूँ। जब आप प्रिसेप्टर के सामने बैठे हैं या अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये ऐसे करनी है वो बताता हूँ। पहले तो आप ऐसे मूड में बैठिए कि आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं, रिलीजन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, जैसा भी कोई रिलीजन हो जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, आप एक ऐसा मूड बनाइए कि वो अपने आप को आपको जाहिर करने वाले हैं। इस मूड में बैठिए, फिर एक थॉट दीजिए कि वो भगवान हमारे हृदय में है, दिल में है, लाइट की फॉर्म में, और ये लाइट मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ये थॉट देके बैठना है और बहुत ही जेंटली उसके बाद अपने आप को ऑब्जर्व करना है। जो भी कोई थॉट्स आ रही हैं उनको आने दो, उनको जाने दो, सिर्फ इस ओरिजिनल थॉट को कि भगवान मेरे अंदर है लाइट की फॉर्म में, इसकी तरफ बहुत हल्के से देखते रहना है। इस थॉट की तरफ मतलब आपका ध्यान थोड़ा सा हृदय की तरफ है, उतना बस आप अपना ध्यान रखें, उसकी तरफ देखिए। किसी भी थॉट को रोकना नहीं है, कोई कॉन्सेंट्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं करनी है। बहुत अलग मेडिटेशन है, इसमें आप कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन के दौरान नहीं करते, बल्कि मेडिटेशन के बाद आपकी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हो जाती है। सो थॉट्स को आने दो, जाने दो। असल में क्या होगा कि आपका ध्यान किसी न किसी थॉट में चला जाएगा। जब भी रियलाइज़ किया कि मेरा ध्यान अब अपने ओरिजिनल थॉट पे नहीं है कि भगवान मेरे दिल में हैं, तो बहुत जेंटली विदाउट एनी टेंशन बस दोबारा से उस थॉट की तरफ आ जाओ कि भगवान मेरे दिल में है। इस थॉट की तरफ फिर हृदय की तरफ देखना शुरू कर दो। इस तरह से एक 35 मिनट से 40 मिनट की ये मेडिटेशन रहती है। शुरू में जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्टरी सेटिंग्स लो प्रिसेप्टर से, तो योगिक ट्रांसमिशन प्रिसेप्टर के थ्रू आपको आएगी। जब आपकी इंट्रोडक्टरी सेटिंग्स पूरी हो जाएंगी तो ये डायरेक्टली आपके पास मेडिटेशन आ सक योगिक ट्रांसमिशन आपके पास डायरेक्टली आएगी। इसका एक और सेकेंड मेथड है
सुबह हम मेडिटेशन करते हैं और शाम को हम एक क्लीनिंग करते हैं। दिन भर हमने जो कुछ इकट्ठा किया है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू अ क्लीनिंग मेथड। इस सहज मार्ग पद्धति में जो बताया गया है वो मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि एक आंखें बंद करके एक थॉट देनी है कि दिन भर में मैंने जो कुछ इकट्ठा किया है, जो ग्रॉसनेस आई है, जो इम्प्योरिटीज आई हैं, वो स्मोक की फॉर्म में, धुएं की फॉर्म में मेरे पीछे से बाहर जा रही हैं, मेरे रीढ़ की हड्डी की तरफ से बाहर निकल रही हैं। ऐसी एक थॉट देनी है और अपने आप को एक फीलिंग क्रिएट करनी है कि हाँ, पूरी मेरी क्लीनिंग हो रही है और मैं लाइट फील कर रहा हूँ। जैसे ही आपको थोड़ा सा वैक्यूम फील होगा कि हाँ, थोड़ी सी लाइटनेस आ रही है, तो एक एडिशनल थॉट दो कि भगवान से आपको एक डिवाइन करंट आपके हृदय के अंदर जा रहा है और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको भर रहा है। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस है जो एक 20 से 30 मिनट आपने हर रोज शाम को ये क्लीनिंग करनी है। तो मैंने आपको मेडिटेशन का तरीका बता दिया, मैंने आपको क्लीनिंग का तरीका बता दिया। हम एक और चीज करते हैं, रात को सोने से पहले हम एक प्रेयर करते हैं। तो ये प्रेयर हम करते हैं तो हमारा रात भर शांत रहता है और सुबह जब हम उठते हैं तो हम मेडिटेशन पे बैठते हैं और मेडिटेशन से पहले फिर ये तीन लाइन की प्रेयर करते हैं। तो ये पूरी मेडिटेशन योगिक ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड है और सिर्फ इसमें ये तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, मेडिटेशन, क्लीनिंग और प्रेयर। तो बहुत ही सहज है, इसीलिए इसका नाम सहज मार्ग है, नेचुरल पाथ। बहुत सिंपल है ताकि योगिक ट्रांसमिशन आपको आएगी। इसका फायदा क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि एक उदाहरण देके बताता हूं कि हमारे अंदर जो गॉड है या भगवान है वो एक लेट्स से एक लैंटर्न की तरह है, लैंप की तरह है, लेकिन हमने अपने डीप इम्प्रेशन से उसके चारों तरफ कालख सूट इकट्ठी की हुई है। तो ये योगिक ट्रांसमिशन जब आती है तो ये सूट धीरे धीरे क्लीन होने लग जाती है। जैसे ही ये क्लीन होती है कि हमारी अंदर की डिविनिटी उभरने लग जाती है। डिविनिटी तो अंदर है, वो उभरने लगती है। जैसे ही वो उभरती है हम शांत हो जाते हैं, बहुत ही लाइट फील करते हैं, सब डर खत्म हो जाते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो ये आप रिसेप्टर के थ्रू कर सकते हैं या हार्ट सैप के ऊपर जाके कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है और करने से बहुत फायदा होगा। मेरे को पर्सनली फायदा हुआ है, मेरी पूरी जिंदगी बदली है ये मेडिटेशन करने के बाद से। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। हार्ट सैप आप डाउनलोड कर लो, हार्ट सैप से जाके पहले मास्टर क्लासेस कर लो या इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स किसी प्रिसेप्टर के साथ कर लो। उसके बाद अगर रेगुलर सिटिंग लेनी है, जैसे हम हर हफ्ते एक सिटिंग लेते हैं प्रिसेप्टर से, तो आप फिर व्हाट्सएप के पास जाके या फोन करके प्रिसेप्टर को बोलो हमको एक रिमोट सिटिंग दे दो, तो वो रिमोट सिटिंग ले लो। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको ट्राई करें। अपना एक सिर्फ विल पावर की जरूरत है, बिल्कुल फ्री मेडिटेशन है। आप विल पावर बनाओ कि मैं 2-3 महीने इसको ट्राई करूंगा और ये पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करो, सिटिंग करके देखो, सिटिंग लेके देखो। आपको कुछ ऐसे अनुभव आएंगे, आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जो और कहीं नहीं आते। जब कभी ऐसे फील नहीं किए होंगे, लाइटनेस के, पीस के, समाधि के एक्सपीरियंसेस आएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये आपने कुछ खास चीज पकड़ ली है और अब आपकी स्ट्रेस खत्म हो रही है। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते व्हाट्सएप और सिटिंग लेने में आपको प्रॉब्लम है, तो हर रोज सुबह हमारे जो मास्टर गाइड हैं, दाजी बुलाते हैं हम उनको, वो हर रोज सुबह 7 बजे सिटिंग देते हैं। तो आप 4-5 दिन सुबह 7 बजे बैठ जाइए, सोमवार से शनिवार तक और रविवार को 9 बजे। ये पूरा हफ्ता ऐसे सुबह बैठिए 7 बजे और ये सिटिंग लीजिए। इससे आपकी इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स पूरी हो जाएंगी और उसके बाद आप रेगुलर अपनी मेडिटेशन शुरू करो और ये 7 बजे का कायम रखो। पूरा का पूरा वैसा इफेक्ट आ जाएगा जैसा आपका व्हाट्सएप करने से था। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।